जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तभी से सोशल मीडिया पर बिग बी छाए हुए हैं। जिसे देखो वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। दरअसल हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए अमिताभ को लेकर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने दो पीढ़ियों के लिए मनोरंजन और प्रेरणा दी है, उन्हें दादा साहब पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुश है, उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। बता दें कि इस खबर के बाद से ही लगातार ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के लिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फैंस ही नहीं, बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मौके पर काफी भावुक नजर आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। There is no mention of Indian cinema without this legend. He has redefined cinema with every role and deserves every accolade for his innumerable contributions. Congratulations. The most inspiring legend of Indian cinema. He is a bona fide rock star. I am honored and proud to be in the era of Amitabh Bachchan. The prestigious Dada Saheb Phalke Award to Senior Bachchan. Congratulations to the legend for the prestigious Dada Saheb Phalke Award. You have entertained, inspired generations with your exhilarating performances. Wishing you more success and happiness. Dear Amit ji, couldn't be happier to hear the news that you will be receiving the prestigious Dada Saheb Phalke Award. You have inspired and entertained billions and continue to do so. We love you, sir, and are so very proud of you. तो देखा आपने, बिग बी को मिले दादा साहब फाल्के अवार्ड से बॉलीवुड स्टार्स बेहद ही ज्यादा खुश हैं। बात करें अमिताभ के वर्क फ्रेंड की, तो उनके पास फिल्मों की लाइनें लगी हुई हैं। जल्द ही वो फिल्म चेहरा, झुंड, ब्रह्मास्त्र और गुलाबो सिताबो में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी पहली साउथ इंडियन फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वैसे आप अमिताभ बच्चन को मिल रहे इस सम्मान से कितने खुश हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।